जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। बलिया में लगातार बढ़ रहे आपराधिक ग्राफ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष राम मंगल यादव ने कहा कि जिला प्रशासन लूट व हत्या जैसे आरोप को रोक पाने में विफल है। सपा जिला अध्यक्ष राम मंगल का जिलाधिकारी को ज्ञापन। जिलाध्यक्ष राम मंगल यादव के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया, जिसमें हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार की घटनाएं रोज ही घट रही हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार इस पर नियंत्रण पाने में पूर्णतः विफल है। प्रदेश में बेलगाम अपराध और बेखौफ अपराधी सत्ता संरक्षण में पल रहे हैं। जनता अपने आप को असुरक्षित मान रही है। चारों तरफ भय और आतंक का माहौल है। भाजपा राज में सर्वाधिक असुरक्षित महिलाएं एवं बच्चियां हैं। ये अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपराध की सापेक्ष 15.3% अपराध संख्या उत्तर प्रदेश में होने से अपराधों के मामले प्रथम स्थान पर होते हैं। पुलिस के पकड़ में आने के बाद भी सत्ता एवं स्थायी विधायक के दबाव में आरोपी को आसानी से भाग जाने दिया जाता है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं सभी लोग जानते हैं। प्रदेश में किसी भी अपराधी को अपराध करने में जरा संकोच व शर्म नहीं होती, क्योंकि उन्हें सत्ता का संरक्षण मिलने का भरोसा होता है। कैसी विडंबना है, भाजपा सरकार दलित, वंचितों और समाज के कमजोर वर्ग के हितों की पूर्णतः अनदेखी कर रही है। हाथरस में दलित बेटी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के बाद आधी रात में पुलिस ने उसका शव जला दिया। पुलिस प्रशासन का यह रवैया अत्यंत शर्मनाक रहा है। कई किशोरियों के रेप की घटनाएं के बाद ग्लानी में आत्मदाह कर ले रही हैं। न केवल हाथरस अपितु बलरामपुर, आजमगढ़, बुलंदशहर, भदोही, लखनऊ, बाराबंकी, बागपत, मेरठ, फतेहपुर, अलीगढ़, उन्नाव, महाराजगंज और प्रयागराज में भी हैवानियत की घटनाएं प्रदेश की बदनामी हुई है। अध्यक्ष जी, आज किस तरीके की ये बैठक का सपा कार्यालय में चल रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के सवाल पर आज महामहिम राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और जो बलिया में आए दिन रोज हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन रोज घटनाएं हो रही है, इसी के सवाल पर खास तौर से दुर्जनपुर में जो घटना हुई है, एक विकलांग जो उसके पहले 14 तारीख की हत्या की जाती है, 15 तारीख को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उप जिलाधिकारी और CO और दरोगा के मौजूदगी में जो दिन दहाड़े उन्हीं के सामने गोली मारता है, ध्वस्त हो गया है और कानून का और ये जंगल राज कायम हो गया है। हम मांग करते हैं समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ सरेआम गोली चलाई जाती है, हत्या किया जाता है, तो ये कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। योगी जी तत्काल उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष की हैसियत से ये मांग करता हूं। जी, अभी आपने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर आपने अभी ज्ञापन दिया राज्यपाल महोदय को। जी जी, अभी हम लोग को जानकारी मिली है कि सपा कार्यालय में बैठक चल रही थी, वहाँ पे भी कानून व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो गई। नहीं, हमारे यहाँ कोई कानून व्यवस्था कोई कानून व्यवस्था गड़बड़ नहीं है। हमारे सभी नेता एक है, लंबा परिवार होता है जिसके दो पुत्र होते हैं, उसमें पति पत्नी में भी कोई बात हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा परिवार है, ये परिवार एक है, समाजवादी पार्टी एक है। पति पत्नी कौन था बता सकते? नहीं, कोई नहीं, पर एक उदाहरण की मैंने बात कहा। आप भाई है, जानते इस बात को। कोई नहीं, पार्टी एक है, अनुशासन है। समाजवादी पार्टी संघर्षों की पार्टी है, ये आंदोलन की पार्टी है। समाजवादी पार्टी आंदोलन में विश्वास रखती है। जो बलिया में आए दिन घटना हो रही है, ये दुखद हो रहा है, इसी के सवाल पर आज महामहिम राज्यपाल को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और दुखद एक सबसे बड़ी बात है, ये धरती जयप्रकाश नारायण की धरती है, ये चित्तू पांडे, मंगल पांडे, जनेश्वर मिश्रा, वीर लोरी, चंद्रशेखर की धरती रही है, जहाँ गरीब के लिए, कमजोर के लिए, दिन दुखियों के लिए हमेशा ये धरती जाना जाता था। आज दुर्भाग्य है कि बलिया के उसी माटी पर वर्तमान विधायक जो सुरेंद्र सिंह जी हैं, माननीय सुरेंद्र सिंह जी ने जो पीड़ित परिवार है उसके घर ना जा करके जो गोली मारा है उसको लेकर के घूमने का काम कर रहे हैं। बलिया के इतिहास में पहली घटना इस तरह से है। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति पीड़ित परिवार के पास पहले जाता है और इसके बाद दूसरे पक्ष के आंसू पोंछता है,
इस तरह से बलिया में परंपरा नहीं रही है, यह समाजवादी पार्टी इसकी निंदा करती है। दूसरी बात, लेकिन क्या घायल परिवार के पास गए थे आप लोग बिहार जाने के लिए? कौन घायल है आप पता लगाइए, कौन घायल है? मीडिया के लोग हैं, आप पता लगाइए कौन घायल है, किसको चोट लगी है? ये सब मनगढ़ंत कहानी है, सबके सामने हत्या हुई है। दलों से दुर्जनपुर की स्थिति को सामान्य करने की अपील की है, और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो दूसरा पक्ष है यानी जो आरोपी है। पुलिस की लीपापोती और अपराधियों को सत्ता द्वारा संरक्षण से कानून मानने वाले नगर नागरिक विचलित हैं। भाजपा सरकार के कार्य व्यवहार से प्रदेश में हर तरफ आक्रोश है। नागरिक अपना जान माल की सुरक्षा के लिए हर क्षण चिंतित रहते हैं। महिलाओं की जिंदगी असुरक्षित है। विपक्ष पर सरकार हमलावर और जनधन की सुरक्षा जैसी कोई नजर नहीं आती। हर दिन मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। निश्चित रूप से संवैधानिक संकट की स्थिति है। सत्तारूढ़ सरकार ध्वस्त, कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरह से विफल है। प्रदेश में विकास अवरुद्ध है और जनता त्राही त्राही कर रही है। इन स्थितियों में गंभीर प्रश्न है कि जनधन की सुरक्षा मिलेगी या नहीं, जनता की सुरक्षा क्या होगा, प्रदेश में संवैधानिक मर्यादा का पालन होगा या नहीं। हमें आशा है कि आप अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगी। प्रमुख मांग दुर्जनपुर रेवती बलिया में 15 अक्टूबर को पुलिस प्रशासन के सामने भरी पंचायत में दिन दहाड़े भाजपा नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जयप्रकाश पाल की सरेआम निर्मम हत्या के दोषियों को न्यायिक जांच करा कर कठोर सजा दिलाई जाए तथा पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी, आवास, पेंशन एवं सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आनंद नगर बलिया में अंडा विक्रेता विकलांग अजीत कुमार गुप्ता की दिनांक 14 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या में शामिल अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा उसके परिजनों को आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधाएं दी जाएं। असरा के रत्तोपुर में 13 अक्टूबर को दिन दहाड़े संजीत सिंह सहित दर्जन लोगों द्वारा अरविंद खंडवार पूर्व प्रधान एवं उनके परिजनों को पट्टे व लाठी डंडे से घर पर किए जाने वाले जानलेवा हमले से संबंधित दोषियों की भी गिरफ्तारी एवं पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पुलिस जीप को बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर, दो पुलिसकर्मियों व ट्रक ड्राइवर घायल। सुबह सुबह राष्ट्रीय मार्ग 9 पर बाबूगढ़ थाने के नजदीक पुलिस जीप में एक बेकाबू ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर में घायल हुए दो पुलिसकर्मी मुकेश ड्राइवर व राजकुमार हेड कांस्टेबल व ट्रक ड्राइवर भी हुआ घायल, जिन्हें उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में कराया गया है भर्ती। थाना बाबूगढ़ के नजदीक राष्ट्रीय मार्ग 9 का है यह मामला। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.